आगे बढ़ते हैं। चीन से आए गलवान हिंसा के नए वीडियो में क्या है, किसने कहा पड़ोसी देश के रिश्तों के अनुकूल माहौल की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, देश का एक दुश्मन और ढेर हुआ है, थप्पड़बाज युवती के खिलाफ कहां दर्ज हुआ है केस, देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। चीन से गलवान हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में चीन को झड़प करते हुए देखा जा सकता है, वहीं एक वीडियो में चीनी सैनिक पानी में बहते नजर आ रहे हैं और खुद को संभाल नहीं पा रहे। सैन्य कमांडर बातचीत के बीच इस तरह का वीडियो चीन की मंशा पर सवाल उठाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और इस माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े की टास्क फोर्स पड़ोसी देशों के साथ अभ्यास में हिस्सा लेगी। इसे सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत अपने मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की पहल है। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के चंदाजी में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, वहीं कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिन्हें पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर सुरक्षा के लिए अब लद्दाख की लड़कियों ने भी कमर कस ली है। लद्दाख बॉर्डर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए करीब 1200 लड़कियों ने आवेदन किया है और सभी ने खेल के दौरान अपना पराक्रम दिखाया। सभी का एक ही मकसद था, देश की सेवा करना। गुजरात के CM विजय रूपाणी ने आज करीब 80 बच्चों के साथ भोजन किया, जिनके माता पिता की पिछले 1.5 साल के दौरान कोरोना से मौत हो गई है। CM रूपाणी से बातचीत के दौरान इन बच्चों ने भविष्य में डॉक्टर और पुलिस बनने की ख्वाहिश जताई है। जयपुर में डूंगरी के पास हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सवारियों ने किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग में कार सहित कार में रखे 3 iPhone समेत तमाम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगई करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवती एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रही थी। पश्चिम बंगाल के हुगली में तत्काल टिकट के लिए काउंटर खोलने की मांग को लेकर यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और रेल प्रशासन से तत्काल टिकट के लिए अलग काउंटर खोलने की मांग की।